नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में 30,000 सरकारी पदों पर होगी भर्ती। आज सीएम धामी बोले हैं योग्यता के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। नकल रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त अध्यादेश लाएगी। तो सीएम ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यो की डेडलाइन 2023 बताई। बद्रीनाथ धाम के भव्य निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनाकर तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, ऐसे में हम निष्पक्ष परीक्षाओं हेतु जल्द ही उत्तराखंड में सख्त अध्यादेश लाएंगे। तो सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक को संवारने का कार्य हो रहा है। सीएम धामी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की डेडलाइन दिसंबर 2023 बताई है। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोपवे का शिलान्यास भी हो चुका है, साथ ही बद्रीनाथ धाम के भव्य निर्माण हेतु मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। तो उत्तराखंड में 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती होगी। सीएम धामी बोले योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से नौकरियों को लेकर जिस तरह धांधली चल रही थी उत्तराखंड में, उसके बाद अब बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यह साफ संदेश दे दिया है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से घालमेल देखने को मिल रही थी नौकरियों में, निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी सख्त अध्यादेश लाने का भी निर्देश दिया। जी बिल्कुल, देखिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, राज्य सरकार जो अभी तक राज्य में UKSSC में घपलों की बात सामने आई जो कई समय से चल रहा था, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए केंद्रपाल हाकम जैसे बड़े नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बात सही है कि थोड़ा वक्त लगा इस व्यवस्था को सुधारने में, पर अब मुख्यमंत्री 30,000 पदों पर नौकरी के लिए बहुत एक्टिव मोड में है और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने विभागों के विभागाध्यक्षों प्रमुख सचिवों को ये आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर ये सारे प्रपोजल विभागों से सरकार को आ जाएं और फिर सरकार इस पर निर्णय लेते हुए लोक सेवा आयोग को इनको रेफर करेगी, ताकि लोक सेवा आयोग इस पर कैलेंडर जारी करते हुए समय से नियत निर्धारित तिथि से सभी भर्तियों को पूरा करे। क्योंकि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि UKSSC पेपर लीक के बाद जिस प्रकार से भर्तियों में घपले के कारण जो भर्तियों की व्यवस्था बाधित हुई है, हालांकि 8 भर्तियां लोक सेवा आयोग को रिफर हुई हैं, पर यह और स्ट्रीमलाइन हो और तेजी से काम हो, लिहाजा एक सप्ताह के भीतर सभी से प्रपोजल मांगा गया। और जो मोटे तौर पर आंकड़ा है सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर, वो करीब उनकी संख्या 30,000 है। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए, अगर जिस तरह से नौकरियों का जिक्र हो रहा है, अगर हम उत्तराखंड वासियों पर नजर डालें, जिस तरह से ये पूरा रैकेट चल रहा था, कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है। अब कहीं ना कहीं सीएम धामी इस विश्वास को पैदा करने की कोशिश में भी जुट गए हैं कि किस तरह से युवाओं को एक अच्छी वातावरण दिया जाए इन परीक्षाओं को लेकर। इसके साथ ही साथ नौकरियों में जिस तरह से ये रैकेट चल रहा है, उस पर भी रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, राज्य सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो नया नकल विरोधी कानून लेके आ रहे हैं जो कि सदन में विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। देखिए, अभी तक नकल एक्ट में एक ये कानूनी अड़चन है कि नकल यदि कोई कराता है, भले ही वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता हो, किसी को अवैध नौकरी लगवाता हो, पर सजा और जुर्माने का प्रावधान बहुत कम है। नए कानून में ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कारावास अधिक होगा, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, अगर कोई कंपनी है तो आजीवन देश में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। इस तरीके से सख्त और कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं नए नकल विरोधी विधेयक में, और मुख्यमंत्री खुद रोजगार और नकल विरोधी जो कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है, उन सब को पल पल पर, समय समय पर खुद मुख्यमंत्री जब मॉनिटर कर रहे हैं, तो अफसरों में भी एक मैसेज जाता है, अफसर भी उसी एक्टिवली मोड में काम करते हैं जिससे कि जो राज्य के युवा हैं उनको पारदर्शी तरीके से रोजगार का मौका मिले। ठीक है सुदीप।